नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो रीजनिंग का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या का ये जो चैप्टर चल रहा है, और इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों हम लोग पार्ट 3 पढ़ चुके हैं और आज जो पार्ट पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 पढ़ेंगे, और ये आज का हमारा इस लुप्त संख्या चैप्टर का अंतिम पार्ट भी होगा। दोस्तों, इस पार्ट 4 में हम लोग 151 नंबर से लेकर के 191 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप भी रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, UPSI, यदि किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये सीरीज हमारी जो है आने वाली एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो या डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी डाउट या क्यूरी हम तक पहुँचा करके अपना डाउट दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। तो दोस्तों, ये हमारा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ये बना हुआ है, और इसके लिए हमको बताना है इन ABCD ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट कर दिया जाए कि हमारे इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है यानी कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे दो लाइनें बनी हुई हैं क्रॉस में, यहाँ भी दो लाइनें क्रॉस बना दी गई हैं, यहाँ भी दो लाइनें बनी हैं। अगले स्टेप में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे तीन एक प्रकार से मान लीजिए पत्तियाँ हैं, तो तीन पत्ती यहाँ बनी है, तीन पत्ती यहाँ भी बनी है, यहाँ पे हमारी दो पत्तियाँ बनी हुई हैं। अगले में तो यहाँ पे हमारी तीन एरो बनी है, यहाँ भी तीन एरो बनी है, और आगे जब हम आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएंगी, यानी कि दो एरो बन जाएंगी। कितनी एरो बनेंगी, दो एरो। तो दो एरो हमारा इस जगह पे ये बना है, तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट बनेगा। सी ऑप्शन हमारा दिया गया 151 के ए में दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा 151 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 152 और 152 नंबर के क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति को चुने। तो यह हमारा ये प्रॉब्लम फिगर है, यहाँ पे हमारा आंसर फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इन ABCD ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट कर दें कि डायग्राम हमारा पूरा हो जाए। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर हम इसको पुट कर दें, यानी कि कौन सा ऑप्शन ए नंबर के ऑप्शन को पुट करेंगे, तो ये ऐसे बना है ए नंबर में और ये ऐसे बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हमारा पूरा दिखने लगेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया सी पे, तो इसलिए दोस्तों 152 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है। तो प्रॉब्लम फिगर हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, और यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक गोले पे चार हमारी नोक निकली हुई हैं, यानी चार तीर निकली हुई हैं, यहाँ पे तीन निकली हुई हैं, यहाँ पे दो नोक निकली हुई हैं, तो यानी कि चार तीन दो, तो यहाँ पे देखें तीन दो चार, ठीक है, यहाँ पे दो चार, अब यहाँ पे तीन नोक वाला नहीं है, यानी कि तो दोस्तों क्या करेंगे, तीन नोक वाला इसमें देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन पे मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दिया गया सी पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा 153 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस डायग्राम से हमारा ये बना दिया गया, और इससे हमारा ये बनाया गया है, और ऐसे ही इससे हमारा ये बना दिया गया, इससे ये बनाया गया है, या फिर हम ऐसा ना करके ऐसा कर लें दोस्तों कि ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल के बाद हमने इस प्रकार इस सर्कल को ऐसे बनाया और इसको ये हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे तीनों सर्कल में ही बना दिए गए हैं, और फिर आगे हम आएंगे तो यहाँ पे हम फिर क्या कर देंगे, ये हमारा इस प्रकार बना है, फिर ये ऐसे बना है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, डॉट बिंदी रख दें, क्या रख दें दोस्तों, डॉट बिंदी रखेंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन हमारे यहाँ पर डॉट बिंदी रखी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सी दिया गया है दोस्तों सी पे, इसलिए दोस्तों 154 का हमारा कौन सा राइट बनेगा, सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 155 और 155 में जो दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि प्रश्न चित्र यानी प्रॉब्लम फिगर को उत्तर चित्रों यानी आंसर फिगर में से उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। तो प्रॉब्लम फिगर हमारा ये है, आंसर फिगर हमारा ये दिया गया है। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे ये हमारा जो इस प्रकार का एक डायग्राम बना है, यानी चौकोर में बना है, एक हमारे लाइनों पर बना है, एक हमारा यहाँ पे ये गोली आकार में बना है। तो अब देखें तो दोस्तों यहाँ भी हमारे एक चौकोर में लाइन आकार में और यहाँ पे गोली आकार में बना है, और यहाँ पे देखें दोस्तों तो हमारे चौकोर पे गोली आकार पे लाइन आकार वाला नहीं बना है। तो दोस्तों लाइन आकार वाला बनेगा तो सब तो यहाँ पे लाइन आकार वाले ही हैं, तो लेकिन अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलिए मैं इसका भी तरीका बताता हूँ। तो अब अगर दोस्तों देखें तो ये जो हमारा चौकोर वाला डायग्राम बना है, चौकोर वाला हमारा ये
चित्र बना है, तो इस चौकोर के जो सर बना है यानी कि मुंडी जो बनी है इसका हेड, तो इस हेड को देखें तो ध्यान से दोस्तों क्या बना है, यहाँ पे ट्रायंगल बना है। क्या बना है दोस्तों, यहाँ पे ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल को शेडेड कर दिया गया पहले वाले पे, ठीक है। दूसरे वाले पे आएंगे, यहाँ पे चौकोर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इसका हेड किससे बनाया गया, चौकोर से बनाया गया। अगले वाले पे आएंगे तो इसका हेड हमारा गोली आकार में बना है। अब ऐसे ही देखते हैं, ये गोली आकार वाले में पहले बनाया गया है, यहाँ पे चौकोर पे बना दिया गया है, फिर दूसरे गोली आकार पे हमारा गोली ही बना दिया गया है, और फिर अगली गोली आकार पे हमारा यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल हेड बनाया गया है, शेडेड कर दिया गया है। तो अब ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर इसमें देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो जो लाइन वाला हमारा ये दिया गया है डायग्राम, तो लाइन वाले में तो एक जीरो बना दिया गया, इसका हेड जीरो से बना दिया गया, ट्रायंगल से बना दिया गया है दोस्तों। ट्रायंगल से बनाने के बाद हमारा क्या बचा है, इस चौकोर यानी कि स्क्वायर से बनाना बाकी है, तो इस स्क्वायर से बनाएंगे। तो स्क्वायर वाला अगर यहाँ पे देखें तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो चौकोर तो हमारा यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया, इन तीनों में चौकोर दिया गया, तो इसी तो रंग हो जाएगा। अब हमको ये बात बतानी है कि चौकोर किस में होगा, चौकोर तो तीनों में है, अब इसको कैसे देखें। तो अब एक चीज़ देखें कि ये जो हमारा दिया गया है, अब इनके पैर में देखें तो पैर दोस्तों यहाँ पे हमारे इसके पैर दिए गए हैं, ऊपर के लिए उठे हैं, यहाँ पे गोली लगा दी गई है, यहाँ भी हमारा आगे क्या बनाया जाएगा। यहाँ पे अगर देखें इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे गोली डॉट गोली यानी कि साइडेड गोली दी गई है, यहाँ पे हमारा भी साइडेड गोली दी गई है, और यहाँ पे हमारे ऊपर के लिए किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे ऊपर के लिए डॉट और डॉट यानी कि डॉट वाला बनेगा हमारा, यानी कि ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए या बी। तो दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा कुल मिला के 155 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ए पे, यानी कि सी दिया गया बी पे दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी का बी राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा दोस्तों, बी, यानी कि बी हमारे इस डायग्राम को पूरा करेगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, क्वेश्चन मार्क में इस जगह पे हम क्या पुट कर दें, अगर हम दोस्तों यहाँ पे कौन सा डायग्राम पुट करें कि हमारा ये डायग्राम क्या हो जाए, पूरा बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम डी वाले डायग्राम को इस जगह पुट कर दें, यानी डी डायग्राम इस जगह बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हमारा डायग्राम बन जाएगा, यानी 156 का डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ पे जेड बना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, जेड है, यहाँ भी हमारा जेड है दोस्तों, और यहाँ भी हमारा क्या है, जेड है। तो यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, जेड ही बनाएंगे, ताकि ये हमारा ये चीज़ क्या हो जाए, इस प्रकार बन जाए, यानी कि ये ऐसे और फिर ये ऐसे हो जाए, यानी कि ऐसे बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा चौकोर अंदर बन जाएगा इन्हीं को सबको जोड़ करके, यानी कि ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया, सी पे। तो सी हमारा 157 का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो अगर इस पैटर्न की जगह पे हम रख दें, कौन सा रख दें दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन को रख दें, तो हमारे इस पैटर्न को पूरा करना शुरू कर देगा, यानी कि पूरा डायग्राम हमारा फिल बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 158 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा 159 नंबर में ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हैं। तो अब अगर दोस्तों हम देखें यहाँ से, तो इतना हमारा ये एक डायग्राम दिया गया है, ये इतना, और उतना हमारा वो अलग डायग्राम दिया गया है इतना। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे हमारा ये शेडेड है, इस शेडेड को इस बार ब्लैंक किया है, और ये ब्लैंक वाले को शेडेड कर दिया है। तो अगले स्टेप में हम भी यही काम करेंगे कि इस जगह पे ये शेडेड जहाँ जहाँ पे है, इस शेडेड वाले को हम क्या करेंगे, ब्लैंक करेंगे, यानी कि इस जगह पे हमारा ब्लैंक आ जाएगा, इन सभी जगहों पे ब्लैंक आ जाएगा, और ये हमारे ये वाले ऑलरेडी शेडेड हो जाएंगे। तो अगर ऐसा देखें तो हमारा ऐसा डी ऑप्शन पे दिख रहा दोस्तों, डी नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा बी पे दिखेगा, क्योंकि अंदर भी तो हमारा एक बनेगा, ये अंदर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे ये, हाँ ये
इस प्रकार ब्लैक साइडेड बनेगा ना, क्योंकि ये है, तो हमारा ये डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 159 का कौन सा राइट होगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम रख दिया जाए दोस्तों कि ये हमारा क्या हो जाए, डायग्राम हमारा पूरा हो जाए। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे डायग्राम अगर हम रखें तो दोस्तों यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि ये हमारा क्या हो जाए, चित्र पूरा पूरा कंप्लीट बन जाए। तो अगर यहाँ पे हम डी ऑप्शन को रख दें, यानी कि इस डायग्राम को रख देंगे इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा डायग्राम बन जाएगा। अगर हम बना के देखते हैं दोस्तों, तो ये हमने बना दिया, फिर दोस्तों ये हमने बना दिया, और ऐसे हमने फिर ये बना दिया, तो ऐसा ही डायग्राम हमारा बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 160 का डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस डायग्राम पे हम यहाँ पे सी ऑप्शन को पुट कर दें, यानी कि सी वाला डायग्राम यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डायग्राम पूरा बन जाएगा, यानी कि सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 161 नंबर का कौन सा राइट बनेगा दोस्तों, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इसमें भी वही काम कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, तो यानी कि इस जगह पे कौन सा डायग्राम पुट कर दें कि हमारा आकृति क्या हो जाए, कंप्लीट आकृति बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए नंबर की आकृति को पुट कर दें तो क्या बन जाए, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा ये एक गोली दिया गया, यहाँ भी गोली दिया गया है, तो ऐसे हमारे साइडेड गोली दी गई, तो यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, साइडेड गोली ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, साइडेड गोली इस जगह पर हम बनाएंगे। तो अब अगर आगे हम देखें तो ये हमारा गोला पूरा हो जाएगा, और यहाँ से हमारा फिर यहाँ पे दो गोलियाँ बन जाएंगी इस प्रकार, और ये फिर गोला पूरा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे दो साइडेड गोली बन जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ही पूरा दिखने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 162 का ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 163 नंबर में, फिर यहाँ पे कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, तो यहाँ पे अगर हम कौन सा ऑप्शन रख दें कि हमारा पैटर्न क्या हो जाए, यानी कि डायग्राम क्या हो जाए, पूरा पूरा बन जाए, अगर हम यहाँ पे बी वाले डायग्राम को रख दें इस जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डायग्राम पूरा कंप्लीट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 163 का बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 164 और 164 नंबर में दिया गया, कहा गया दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो अगर भी हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे हमारा साइडेड दिया गया है, तो इससे एक स्टेप बढ़ा करके इस जगह पे साइडेड कर दिया गया अगली बार, और यहाँ से साइडेड बढ़ा करके दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, अगले स्टेप में हम यहाँ पे साइडेड कर देंगे। तो इस जगह पे साइडेड अगर हम देखें, पार्ट कहाँ है हमारा, ए पे दिखने लगा, कहाँ पे दिखने लगा दोस्तों, ए पे, तो अगले स्टेप में फिर यहाँ साइडेड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 164 का ए बिल्कुल ही राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, तो यहाँ पे हम इन विकल्पों में से कौन सा आकृति यहाँ पे फिल कर दें कि ये डायग्राम हमारा पूरा बन जाए। और तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो हम अगर सी ऑप्शन को यहाँ पे फिल कर दें तो ये डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट दिखने लगेगा और बन भी जाएगा हमारा बिल्कुल सही डायग्राम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 165 का सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पे दो गोलियाँ ऊपर, दो गोलियाँ नीचे दी गई हैं, और यहाँ पे दो गोलियाँ नीचे, तो दो गोलियाँ ऊपर लाने के लिए हम किस पैटर्न को यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो इस सी ऑप्शन को फिल कर दें दोस्तों, तो ये हमारी जो लाइन बनी ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी दो गोलियाँ बन जाएंगी ये, तो यानी कि इस डायग्राम हमारा कंप्लीट दिखने लगे कौन सा, सी ऑप्शन को रखने से, यानी कि 166 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 167 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया, कहा गया दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, यानी कि ये डायग्राम दिया गया, और इन ऑप्शनों में से हमको ये बात बतानी है कि कौन सा ऑप्शन रखने से हमारे को क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूर्ण दिखने लगेगा। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो इनमें से कौन सा डायग्राम रख दें, तो अगर हम डायग्राम इस डी को रख देते हैं दोस्तों, कौन सा रख दें, डी को रख दें, तो क्या ये हमारा डायग्राम पूरा दिखने लगेगा, बिल्कुल दिखने लगेगा दोस्तों। ये बना दिया और ये हमारे हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा ये बनेगा कैसे, यहाँ पे ये ऐसे और ये हमारा बन जाएगा ऐसे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा ये ऐसे हो जाएगा, तो यानी डायग्राम हमारा इस प्रकार से पूरा दिखने लगेगा कौन सा ऑप्शन रखने से दोस्तों, यानी डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 167 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, यानी कि अब यहाँ पे हम कौन सा
आकृति रख दें कि हमारे डायग्राम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो भी हमारा पूरा नहीं होगा, पीछे साइड से गड़बड़ दिखने लगेगा। यहाँ भी हमारा पीछे साइड में ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ भी पीछे साइड में गड़बड़ है, यानी कि यहाँ भी गड़बड़ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम यहाँ, हमको पीछे साइड में यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये लाइन ऐसे बनी होनी चाहिए। तो अगर हम इस बी ऑप्शन को रख दें, बी ऑप्शन को रख देंगे इस जगह पर, तो क्या हो जाएगा, हमारे डायग्राम पूरा बन जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का 168 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में भी वही काम कहा गया है करने के लिए कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। यानी कि इस डायग्राम में हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट कर दें कि डायग्राम हमारा पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट बन जाए और दिखने लगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो कौन सा डायग्राम रख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम अगर हम ए नंबर का रख दें, कौन सा रख दें दोस्तों, 169 का डायग्राम अगर हम ए रख दें तो ये चित्र हमारा पूरा पूर्ण तरीके से पूरा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 169 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 170 में दोस्तों दिया गया, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। फिर वही काम करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में जगह पे हमको कौन सी आकृति रख दी जाए कि हमारा क्या हो जाए, डायग्राम क्या हो जाए, कंप्लीट दिखने लगे, यानी कंप्लीट बन जाए। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो अगर हम सी ऑप्शन को रख दें, कौन सा रख दें दोस्तों, सी ऑप्शन को रख देंगे तो ये डायग्राम हमारा पूरा दिखने लगेगा। अगर हम देखें दोस्तों तो ये अंदर का इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, सेम एक जैसे दिख रहे हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन रखने से हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 170 का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 171 में दिया गया, कहा गया दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो इस जगह पे कौन सा डायग्राम हम रख दें कि क्या हो जाए, ये डायग्राम हमारा क्या कंप्लीट बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम इस डी नंबर के डायग्राम को रख दें तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये जिस प्रकार से हमारा ऐसे यहाँ पे बन रहा है, तो हम भी क्या करें, डी नंबर के डायग्राम को इस जगह पे ऐसे रख दें और यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और ये हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हमारा कंप्लीट दिखने लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 171 का दोस्तों कौन सा आंसर राइट बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 172 और 172 में फिर वही काम करने के लिए बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करते हैं। यानी कि डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हम इनमें से कौन सा ऑप्शन पुट कर दें कि ये डायग्राम हमारा कंप्लीट दिखने लगे। तो कंप्लीट दिखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी कि अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये एक सर्कल ऐसे बनाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा क्या होगा, ये बड़ी लाइन बनाएंगे तो बड़ा सर्कल पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल फॉलो करता जा रहा है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ये और यहाँ पे बाद में एक स्टार बना दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 172 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 173 और 173 में जो दोस्तों दिया गया, कहा गया दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे कौन सा रख दिया जाए दोस्तों, क्या हो जाए, डायग्राम हमारा पूरा बन जाए। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे रख दें कौन सा ऑप्शन, यानी 173 में दोस्तों अगर हम रख दें, अगर दोस्तों ए नंबर की आकृति को यहाँ पे रख दिया जाए, कौन सा आकृति को रख दिया दोस्तों, ए नंबर की आकृति को रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, डायग्राम हमारा पूरा बन जाएगा। लेकिन ए नंबर की जो आकृति होगी दोस्तों, ये आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा ही इसको रखना है, इसको थोड़ा सा हम घुमा करके रखेंगे, जब घुमा कर रखेंगे तो इस जगह सेट हो जाएगा। तो यानी कि ये डायग्राम हमारा क्या पूरा दिखने लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी 173 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 173 का हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 174 में भी वही काम करने के लिए बोला है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारा कौन सा डायग्राम रख दिया जाए कि पैटर्न हमारा क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये और ये बीच में एक ऐसे रख दिया गया, तो सब में ऐसे ही करते चले जाना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम क्या करेंगे, कौन सा डायग्राम पुट किया जाए। तो सबसे पहले अंदर वाला डायग्राम अगर देखें तो हमारा कैसा दिखने लगेगा, ये तो ऐसा दिखेगा दोस्तों, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इस, यानी कि ऐसे यहाँ पे कौन सा डायग्राम दिखेगा। तो यहाँ पे तो हमारा ये तो दिख नहीं रहा है, तो उल्टा दिख रहा है। एक तो हमारा यहाँ पे ये दिख गया, और एक दोस्तों हमारा बी भी दिख गया, एक हमारा डी भी दिख गया। तो अब अगर दोस्तों देखें यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि बीच में हमारा एक उल्टा, अगल बगल हमारे एक जैसे दिए गए हैं, बीच वाला नीचे दिया है तो ये अगल बगल वो। तो अगले स्टेप में यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों एक दिशा में नीचे वाले हैं, ऊपर हमारा ये सिंगल दिया है। तो अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, ये हमारा सिंगल दिशा की ओर हो जाएगा और नीचे हमारे दोनों दिशाओं की ओर हो जाएंगे।
तो अब अगर देखें ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो ऐसा ऑप्शन अगर हम डी में देखें तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इस पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी कि 174 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, डी आकृति हमारे इस चित्र को क्या कर देगी, पूर्ण कर देगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला 175 नंबर के क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा हमारा डायग्राम पूरा करेगी, तो इस जगह पे देखें 175, तो 175 में जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ए बी सी डी में कौन सा यहाँ पे पुट कर दिया जाए कि हमारा क्या बन जाए, राइट आंसर बन जाए। तो सी ऑप्शन को अगर हम दोस्तों यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्लस बना है, यहाँ पे दो बार हमारी दो गोलियाँ दी गई हैं, यहाँ पे दो बार प्लस दिया गया है, तो हम भी इस जगह पर क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से ये लाइन बनाएंगे और इधर पर हम प्लस बनाएंगे और इधर भी प्लस बनाएंगे। दूसरी बातों में दोस्तों हम इधर भी गोली बनाएंगे, इधर भी गोली बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो गोली, यहाँ पर हम भी दो गोली बना देंगे। तो यानी कि ये पैटर्न हमारा बिल्कुल फॉलो कर रहा है दोस्तों सी ऑप्शन को, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन 176, तो 176 में दोस्तों दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। हमको ये बात बतानी है कि इस पैटर्न को कौन सा पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ये गोली आकार का बनाएंगे और बीच से इसको हम कट कर देंगे। तो ऐसा देखें तो हमारा कहाँ पे दिखने लगा दोस्तों, ये हमारा दिखने लगा है ए नंबर पे, और फिर आगे जा करके इन डायग्रामों को पूरा पूरा कर देंगे। तो ये हमने डायग्राम पूरा कर दिया और फिर बीच से ये क्या कर देंगे, ये लाइन बना दी, यानी कि ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। 176 का दोस्तों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 177 में अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे फिर कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि ये एक आकृति दी गई है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न पूरा करेगी ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लाइन बना लेंगे पूरा यहाँ तक का। इसके बाद फिर दोस्तों देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डायग्राम जो बनेगा ये ऐसे हो जाएगा और फिर ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा देखें दोस्तों तो हमारा ए पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ए पे दिख रहा है। तो ए ऑप्शन यानी कि 177 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे दिया है, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोनों एरो नीचे के लिए आ रही हैं, तो यहाँ पे दोनों एरो ऊपर के लिए जा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे दोनों एरो क्या करेंगे, ऊपर के लिए ऐसे बनाते चले जाएंगे, सेलेक्ट कर देंगे इनको। अब देखें तो यहाँ पे कौन सा राइट बन जाएगा दोस्तों, यानी कि ये और यहाँ पे हमारा कोने में नीचे क्या बनेगा, एक सेडेड पार्ट भी बनेगा। तो यहाँ पे तो देखें दोस्तों सेडेड पार्ट यहाँ पे नहीं है, सेडेड पार्ट इसी में है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 178 का कौन सा राइट होगा दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 178 के बाद दोस्तों 179, इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। यानी कि अब अगर हम देखें तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा डायग्राम लगाया जाए। तो अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बना दें और उसके बाद ये बना दें, तो यानी कि ये डायग्राम को हमारा जैसे जिस प्रकार दोस्तों ये डायग्राम बना है सेम इधर ये बना दिया, तो हम भी जिस प्रकार ये दिया है तो उसी प्रकार हम इधर ही बना देंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है ए 179 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर 179 के बाद दोस्तों 180 में दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। अब फिर दोस्तों हमको यहाँ पे कौन सा आकृति यहाँ पर रख दी जाए कि पैटर्न को पूरा करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें कि ए नंबर की आकृति को यहाँ पर रख दिया जाए, दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हम एक लाइन बनाएंगे और इसको ये पूरा करेंगे दोस्तों, ये सीधा सीधा लाएंगे और फिर इसके बाद ये इसको पूरा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने बनाया और उसके बाद ये ब्रेक कर दिया। तो ऐसा अगर हम देखें तो डायग्राम हमारा ए पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 180 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे चेंज हो गए हैं दोस्तों। अब हमारे क्या हो गए, डायग्राम वाले चित्र नहीं आएंगे, अब यहाँ थोड़ा सा हमको अलग तरीके से अल्फाबेटिकली क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे अगला पद हमको बताना है, तो देखें दोस्तों तो 22 के बाद दोस्तों हम दोगुना कर दें, 22 दो 44 हो जाएगा, 44 से हम क्या कर देंगे, दो कम कर देंगे। या फिर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पे दिया गया 22 के बाद दोस्तों यहाँ पे सी लिखा हुआ है, उसके बाद दोस्तों 42 के बाद दोस्तों एफ लिखा हुआ है,
और फिर यहाँ पे देखें 62 के बाद दोस्तों हमारा आई लिखा हुआ है, तो 22 में कितना जोड़ें कि ये मिल जाए 42 मिल जाए, 20 जोड़ दिया। अब इसमें भी हम कितना जोड़ने की 62 मिल जाए, 20 जोड़ दिया। अब दोस्तों सी के साथ एफ, सी का कोड 3 होता है, एफ का कोड 6 होता है, तो 3 जोड़ दिया। फिर एफ का कोड से 9 जाने के लिए यानी कि 9 पहुंचने के लिए फिर 3 जोड़ दिया। कुल मिला के अब आगे भी हम दोस्तों यानी कि 62 में हम कितना जोड़ देंगे इस जगह पे, 62 में दोस्तों जोड़ें 72 यानी कि आ जाएगा दोस्तों 82, और यहाँ पे 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 हमारा एल का होता है, तो 82L हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस श्रृंखला में अलग शब्द ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया गया है n, n का दोस्तों कोड क्या होता है 14 होता है, तो 14 में दोस्तों इकाई का अंक 4 रख लिया गया। n के आगे दोस्तों o होता है, o का 15 होता है, 15 में इकाई का अंक 5 रख लिया गया। n o p p q r s, r s के बाद दोस्तों हमारा आएगा p q r s t u, आगे हमारा क्या आ जाएगा t और फिर आ जाएगा u। अब दोस्तों t का हमारा कोड होता है 20, 20 में हम इकाई का अंक रख देंगे 0, u का कोड होता है 21, 21 में इकाई का अंक रख देंगे 1, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पे हमारा बन गया T0UN यानी कि ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का 182 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगले क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, कहा गया है कि कौन सा अक्षरांकी सेट दी गई श्रृंखला का अनुसरण करता है। अब दोस्तों देखें एस, एस में दोस्तों क्या किया गया है कि एस से ओ पहुंचने के लिए यानी कि एस का कोड 19 होता है, 19 से हम कितना कम कर दें कि हमको 15 मिल जाए, तो हमने -4 कम किया तो 15 4 19 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम ओ से यहाँ पे एम का कोड 13 होता है, 13 पहुंचने के लिए दोस्तों हम क्या कम कर दें यानी कि 13 2 15 होता है, दोस्तों यहाँ पे हमने कितना कम कर दिया, -2 कम कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों एम का 13, के का कितना होता है 11, तो यहाँ पे फिर -2 कम किया गया, और ओ से एस जाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे लेकिन एक शब्द भी छूटा है इस जगह पे, तो यहाँ पे -2 तो यहाँ भी -2 कम करेंगे दोस्तों, तो ओ से जब -2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा -2 कम हो जाएगा, तो -2 कम हो रहा है, तो एस से जब -2 कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 17 यानी कि क्यू आ जाएगा, तो क्यू हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इसे पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर ये 9 का स्क्वायर, तो यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, क्यू 64 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 183 का दोस्तों सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 184 में दोस्तों दिया गया, कहा गया दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखें तो दोस्तों एल जे और क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे एफ, तो L, L का कोड दोस्तों जानते हैं कितना होता है 12, 12 से दोस्तों 2 कम किया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना कम किया गया, 2 कम किया गया, तब 10 मिल गया। अब 10 से फिर अगर हम -2 कम कर दें तो हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, 8 में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों H आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से F तक आने में फिर -2 कम करेंगे तो 6 मिल जाएगा, यानी ठीक है दोस्तों, यानी -2 कम किया गया है। अब फिर उसके बाद देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 13 के स्क्वायर लिख दिया गया, 13 के बाद दोस्तों जे हमारा 14 के स्क्वायर, 14 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 15 के स्क्वायर, 225 हो जाएगा, फिर आगे 16 के स्क्वायर 256 लिख लिखा गया, यानी कि 225 यानी कि H225 यानी ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 184 का सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 185, यहाँ पे कहा गया कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एन के और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ई और बी, यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले एन दिया गया है, तो एन का कोड हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है 14 होता है, 14 से के का कोड 11 होता है, 14 से 3 कम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्या कम किया गया तो -3 कम किया गया, के से भी हम 3 कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा दोस्तों, 8 में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों एच आ जाएगा, फिर हमने -3 कम किया तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया दोस्तों एच आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यानी कि 8 के बाद यहाँ से फिर हमने 8 में 3 कम किया तो हमको 5 मिल गया दोस्तों, ठीक है ये, फिर -3 कम किया गया, और फिर यहाँ से हमको बी तक आने के लिए फिर दोस्तों -3 कम किया गया तो बी का कोड हमको 2 मिल गया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से हमको पता चल गया कि एच हो गया, यानी कि सब में 2-2 कम करते चले जाना है। अब यहाँ पे देखें तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इस जगह पे हमारा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, फिर 8 के बाद 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी कि एच 64 ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया सी में, तो 185 का सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस अगले क्वेश्चन में दिया गया कहा गया है कि नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, हमको ये बात बताना है। यहाँ पे दिया गया है 22A, 42E, 62I दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 22 में 20 जोड़ा गया तो हमको 42 मिल गया, 42 में दोस्तों 62 फिर 20 जोड़ा गया तो हमको, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे हमने कितना ऐड किया, 22 ऐड प्लस का 20 जोड़ा गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर प्लस 20 ऐड किया गया, फिर हम प्लस 20 ऐड कर देंगे तो जब 20 ऐड करेंगे 62 में तो हमारा आ जाएगा 82 आ जाएगा दोस्तों। 82 हो गया ए। ए के बाद दोस्तों 5 में दोस्तों 3 जोड़ा तो हमको 8 मिल गया। और यहाँ पे 8 में हम दोस्तों क्या करेंगे, एक में दोस्तों एक ए के ए में हम कितना जोड़े, 4, तो हमको 4 में ए में जब 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, ई यानी 5 मिल जाएगा। अब फिर ई में दोस्तों 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा, 9 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों 13, 13 में हमारा एम मिल जाएगा 82M, यानी कि 82M ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 187 देखते हैं दोस्तों। 187 में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि ये एक सीरीज दी गई है, उपरोक्त क्रम का प्रयोग करते हुए लुप्त पद का पता लगाएं, हमको इस लुप्त पद की जो बताना है क्या फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर देखें एम से परसेंटेज आया गया है तो एम हमारा यहाँ पे दिया गया है, परसेंटेज 1, 2, 3 चौथा लेटर लिख लिया गया है, तो हम भी दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू से चौथा लेटर लिख लेंगे तो 1, 2, 3, 4 तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डॉलर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद N से दोस्तों हम X जाएंगे, N हमारा कहाँ है पहले ये ढूंढें, और फिर ये N है, N के बाद हमको X जाना है तो 1, 2, 3, 4 जाएंगे, तो 4 यहाँ पे गया तो हम भी यहाँ से X से 4 बढ़ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों परसेंटेज से M गया है, परसेंटेज से M जाएंगे तो परसेंटेज हमारा ये है, M हमारा इधर है तो 1, 2, 3, 4 पीछे हुआ है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐट द रेट से 4 पीछे चले जाएंगे, ये ऐट द रेट है तो 1, 2, 3, 4 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि डॉलर 83 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात करें, तो यहाँ पे सी का कोड दोस्तों 3 होता है, 3 रख दिया, ए का कोड 1 होता है, 1 रख दिया, बी का कोड दोस्तों 2 होता है, 2 रख दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों 1, 3, 2, 4 दिया गया है लेकिन लेटर में दिया गया, सब 3 वर्ड में दिया गया, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको हम 13 में क्या होता है, एम होता है तो हम एम रख देंगे, बी में हमारा 2 हो जाएगा, इस जगह पर हम बी रख देंगे, और यानी कि एम बी और डी हमारा होता है 4 का, तो एम बी डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, एम बी डी ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 189 क्वेश्चन में कहा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे दिया गया है 2 और फिर दिया गया 3, फिर यहाँ पे दोस्तों एक खाली सिंबल बना है, फिर सी, फिर खाली, फिर 7, उसके बाद दोस्तों एफ, फिर उसके बाद जी, फिर खाली, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे डी, उसके बाद फिर खाली, फिर 8, फिर खाली, फिर यहाँ पे H और फिर यहाँ पे हमारा I दिया गया। दोस्तों इसको क्या करिए, आप 4-4 भागों में बांट दीजिएगा, तो ये 4 भाग हो गए, 4 भाग ये हो गए, और 4 भाग हमारे ये हो जाएंगे, 4 भाग हमारे ये अगले हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना, 2, 2 का कोड क्या होता है दोस्तों, बी, तो हमने बी रख दिया, और 3 का कोड सी होता तो सी रखा है, ठीक है, तो ये हमारा बी हो गया। यहाँ से 7 एफ जी लिखा है तो जी का तो 7 लिख दिया, तो एफ का हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, तो यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया दोस्तों, 6 फिल कर दिया। अब यहाँ पे डी, तो मैं दोस्तों बता दूं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, D का क्या होता है दोस्तों, 4, तो यहाँ पे हमने 4 भर दिया, और 5, 4 का हमारा D हो गया, 5 का हमारा E होता है, तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया, E भर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के 4 भरा गया और E भरा गया। अब दोस्तों 8 का तो ये H भर ही दिया गया, आई का हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 भर दिया जाएगा, तो कुल मिला के हमारा क्या भरा गया, बी, फिर 6 भरा गया है, फिर 4 भरा गया है, फिर ई भरा गया है, और फिर यहाँ पे 9 भरा गया है, यानी कि B6, 4, E9, यानी कि ऑप्शन नंबर D के साथ ही मैच हो रहा है, B6, 4, E9, हाँ, यानी कि दोस्तों 189 का हमारा D ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों 190 नंबर, यानी कि 190 नंबर का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए, सी का दोस्तों कोड क्या होता है, 3 होता है तो 3 लिख दिया गया, ओ का कोड 15 होता है तो 15 रख दिया गया है।
अब देखें तो सी से ओ तक जाने में कितना टाइम लगा है, यानी कि कितने स्टेप आगे बढ़ा है। सी का कोड 3 होता है, ओ का 15 होता है, तो यानी 12 स्टेप आगे बढ़ाया गया। तो ओ से हम 12 स्टेप जब आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 में हमारा टोटल लेटर होते हैं 26, तो 27वां आया, तो 27वें में हमारा फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए हमारा ये हो गया, और ए का कोड हम जानते हैं क्या होता है, 1, तो 1 रख दिया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 190 का बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 191 में जो दिया गया, कहा गया कि श्रृंखला में अगला शब्द बताएं। तो अगला शब्द हमको बताना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ZW, तो जेड से W, जेड का कोड 26, W का कोड 223 रख दिया गया। फिर आगे कहा गया है VU, V का कोड होता है 22 से दोस्तों क्या रख दिया गया 21। तो अगला हम इसी प्रकार अगर रखें तो यहाँ पे 26 था, 26 से कितना कम किया गया, तो 22 मिल गया, 4 कम किया गया, तो हम भी 22 से कितना कम कर देंगे दोस्तों, 4 कम कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 18। तो 18 आ जाएगा हमारा R का, R के आगे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, S आ जाएगा, R के आगे हमारा क्या हो जाएगा, S आएगा। तो R हमारा S, R के आगे S हो गया, तो R का हमारा कोड जानते हैं 18, S का कोड जानते हैं 19। तो यानी कि 18-19, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 191 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ करके आप हमें वहाँ भी बता सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।